Alamuru, Mahabub Nagar, Levanu Veru. Chennai Shopping Mall Nishuru, Shopping and Day Deguru. Mana Chennai Shopping Mall, Kotta Chennai Shopping Mall, Masu Chennai 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 Shopping Mall. సంప్రదాయ వస్త్రాలకు, ట్రెండీ ఫ్యాషన్స్ కు, నమ్మకమైన ఆభరణాలకు అతి తక్కువ ధరలకు ప్రసిద్ధి చెందిన చెన్నై షాపింగ్ మాల్ ఇప్పుడు మన మహబూబ్ నగర్ లో సెప్టెంబర్ 12న ప్రముఖ సినీ తారలచే సంచలన ప్రారంభం. ది చెన్నై షాపింగ్ మాల్, క్లాక్ టవర్, మహబూబ్ నగర్. आइए देखते हैं एक खसूसी रिपोर्ट 4% तहफात के मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट में समाप्त होने वाली है उसको लेकर. 13 और 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की खसूसी बेंच पर 4% तहफात के मुतालिक समाप्त होने जा रही है और इसके ताल्लुक से तेलंगाना हुकूमत का क्या मौकफ है अभी तक वाज़ह नहीं हुआ है. चीफ मिनिस्टर KCR ने तो वैसे मुसलमानों को 12% तहफात देने का ऐलान किया था, अब वो तो नामुमकिन है, लेकिन अब अगर तेलंगाना हुकूमत जरा भी गफलत बरतती है तो ये 4% तहफात से भी हाथ धोना पड़ सकता है. अब चीफ मिनिस्टर को इस ज़मन में खुसूसी तवज्जो करने की जिम्मेदारी वज़ीर दाखला मोहम्मद महमूद अली और कॉरपोरेशनों के मुस्लिम सदूर और तेलंगाना हुकूमत मुशीर एक ही खान पर आयद होती है. अब देखना यह है कि इन 4 दिनों में हुकूमत 4% तहफात के दिफा के लिए क्या लाहेमल अख्तियार करती है. मुतहदा रियासत आंध्र प्रदेश में साल 2005 में उस वक्त की YS राजशेखर रेड्डी की क्यादत वाली कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों को 4% तहफात फराहम किए थे, जिसकी वजह से शोबे तालीम और मुलाजिमतों में मुसलमानों को खातिर ख्वाह मौके फराहम हुए और अलहदा रियासत तेलंगाना के क्याम के बाद मौजूदा चीफ मिनिस्टर की चंद्रशेखर राव ने इन तहफात को जारी रखा, लेकिन कुछ फाशिस्ट ताकतें मुसलमानों के इन तहफात को अदालत में चैलेंज किया और इन तहफात को कालदम करार देने की दरख्वास्तें दायर की. इससे कबल भी कांग्रेस की दौरे हुकूमत में इस खसूस में सुप्रीम कोर्ट में समातें हुई और उस वक्त मोहम्मद अली शब्बीर साबिक वजीर ने हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में तहफात के दिफा के लिए मौसर पैरवी को यकीनी बनाया था. अब फिर एक बार 13 और 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की खसूसी बेंच पर इस पर समात होने वाली है. इसके मुतालिक रियासती हुकूमत की तैयारी वाज़े नहीं हुई है. अभी समात को सिर्फ 4 दिन रह गए हैं और रियासती हुकूमत ने इसके मुतालिक कोई लाहे अमल को इजहार नहीं किया, जिससे रियासत के मुसलमान फिक्रमंद है. इसी तरह की मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए T9 TV News, जो आपको रखे हर खबर से बाखबर.